चुनाव के मद्देनजर वाराणसी में केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी क्रम में वाराणसी के शिवपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार के 5 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाते हुए सभा को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बसपा व कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर कांग्रेस ने कोई वचन निभाया होता तो देश में 60 सालों में कोई समस्या ही नहीं बची होती। मोहन शर्मा जी, कमलेश केसरी जी, बल्कि ये समझना कि मोदी जी प्रत्याशी, पूरा देश मोदी जी के नाम पर कमल अगर दिला रहा है तो वाराणसी की कितनी जिम्मेदारी बताओ, केवल जिताने की नहीं, जो भी कह रहे थे पश्चिम उस पर रोक लगा देंगे, सेना का अधिकार कम कर देंगे और जो देश के दुश्मन है उनके ऊपर जो देशद्रोह के कानून के अंतर्गत सजा देने का प्रावधान है, देशद्रोह का कानून ही खत्म कर देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी का विकल्प राहुल गांधी जी नहीं होगा, मोदी जी का विकल्प मायावती जी नहीं।